जैसे शाका वेलकम बैक टू तो अवर चैनल जैसे वो है कि नाइनटीन तो जुलाई को सारे बच्चों का मतलब सारे नहीं तो वो जो थाउजेंड बच्चे थे गिने चुने बच्चे उनका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया एंटी ने उनका एग्जाम था उनका एग्जाम हो गया अब रिजल्ट की बारी है ऐसे न्यूज चैनल्स को बता दे कि ट्वेंटी जुलाई को आपका जाएगा पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि देखो अभी तो आपको फाइनल आंसर की आया ही नहीं है अगर उन्होंने कहा था कि अगर 22 जुलाई को हम रिजल्ट कंडक्ट कर देंगे मतलब रिलीज कर देंगे तो फिर अभी तक उनको फाइनल आंसर की रिलीज कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुनवाई नहीं आया कोई ऐसा चीज एंटी ने नहीं कहा कि हम फाइनल आंसर की निकाल देते हैं भैया तुम रिजल्ट का वेट कर लो लेकिन अभी तक तो फाइनल आंसर की नहीं हुआ और जो बच्चों ने एग्जाम दिया है अभी थाउजेंड बच्चे ने ही दिया लेकिन थाउजेंड बच्चे का रिजल्ट वो भी तो साथ में ही आएगा और उससे पहले उनकी भी तो प्रोविजनल आंसर की आएगी उनकी भी तो फाइनल आंसर की बन के आएगी अब वो कब तक आएगा अब जब तक उनका भी आंसर की चैलेंज का प्रोसेस नहीं चलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि उनका नहीं चलेगा ऑब्वियसली बात है इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एंटी उनका भी वही आएगा आंसर की चैलेंजेस होंगे फिर प्रोविजनल आंसर की निकल के आएंगे फिर फाइनल आंसर की निकल के आएंगे ये थोड़ा प्रोसेस लंबा जा रहा है अभी आप ही सोचो आप ही एग्जाम दिए मई में आपका जून में एकदम लास्ट में आया आंसर की फिर उसके बाद हाँ हाँ लगभग लगभग उसके बाद फिर आपका रिजल्ट रिजल्ट का अभी तक कुछ आता पता नहीं है तो क्या आपको लगता है कि थाउजेंड बच्चे जो अभी दे रखे हैं सीबीटी मोड में ही दिया है कि इतना जल्दी प्रोविजनल आंसर की निकाल देंगे वो अगर निकालना रहता तो निकाल ही देते हैं देखो अगर आज और कल में अगर आ गया प्रोविजनल आंसर की तो भाई चांसेस है कि बाईस जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा और नहीं तो फिर हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा और लंबा खींचे जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके एकेडमिक में भी डिले आए ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स सा आए आज आज मैं दो दो अपडेट आपको दे रही हूँ दो दो अपडेट यही है कि आपका डेट चेंज हो रहा है एग्जाम रिजल्ट का एंड दूसरा कि आपके एकेडमिक सेशन जो लेट कर रहे वो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एकेडमिक सेशन लेट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए और देखो बच्चों अभी देखो ठीक है चलो रिजल्ट में बहुत लेट हो रहा है तो तब तक आप प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख सकते हो ताकि आपकी जो जो भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो उसमें दिक्कत ना हो जैसे आपका डॉक्यूमेंट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए फोटो सिग्नेचर सब कुछ सेट करके रखो कि जैसे ही आए मैम ऐसे करके मैं भर दूंगा रिजल्ट अरे मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसे करके डाल दूंगा होना चाहिए वो चीज़ क्योंकि देखो जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पोर्टल खुल जाएंगे जे एन हो गए फिर बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डी यू का फेज़ टू स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेशन लेट है तो मुझे नहीं लगता अब मुझे नहीं लगता कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला है कि हेलो अभी बहुत समय है आप आराम आराम से बढ़ो काउंसलिंग प्रोसेस लंबा चलेगा इससे पता चलेगा कि पूरा साल ही चला गया आपके काउंसलिंग प्रोसेस में और नेक्स्ट ईयर आपकी सेशन स्टार्ट हो रही है अब नेक्स्ट ईयर सेशन स्टार्ट होने का मतलब समझ रहा हूँ पूरा ये साल बर्बाद हो जाएगा तो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे ज़्यादा खुश होंगे जिन्होंने ड्रॉप ले रखा हुआ कि भैया हम भी तो अगले साल देंगे तुम भी अगले साल दो खैर वो तो बात की बात है आपकी दो आर्टिकल निकल के आई है अब दो आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे पहला आर्टिकल आपका आया है कि आपका रिजल्ट मे भी मे भी लेट हो सकता है और वो लेट होने का रीज़न ये भी है कि जैसे कि उन्होंने कहा है देखो आर्टिकल आया इंडिया टुडे का इंडिया टुडे का आर्टिकल आया है जिनमें जामिया के वीसी ने कहा है वाइस चांसलर ने कहा है कि सी यू टी यू जी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रिज़ल्ट स्लाइकली टू बी डिक्लेयर बाई लेट जुलाई और अर्ली अगस्त इट मीन्स उन्होंने ऐसा बताया रिपोर्टर्स को कि आपका रिज़ल्ट या तो एंड में आ सकता है जुलाई के या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ सकता है ऐसा उनका कहना है खैर अभी एन टी ए नहीं बोल रहा है तो सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो सबकी बात मान के चलेंगे हम ठीक है जामिया इस्लामिया ऑफिसिएटिंग वाइस चांसलर शकील अहमद स्टेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू भी अनाउंस्ड बाई लेट जुलाई और द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त उन्होंने ऐसा कहा है कि हो सकता है लेट जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आए ठीक है वही दे रखा है द रिजल्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाई लेट जुलाई और द फर्स्ट वीक ऑफ द एडमिशन शुड भी लेट मतलब इतना कुछ चल रहा है और एन के अलावा सब आके रिपोर्ट बता रहे हैं कि भैया आपका रिजल्ट अब आप आएगा आपका रिजल्ट तब आएगा लेकिन एन टी चुप धार के बैठा हुआ है देखो अभी नीट के स्कैम की वजह से जो रायता फैला रखा है एन ने उसके समिटने में तो टाइम लगेगा लगेगा अब आप कितना समय लगा रहे हैं एन वो तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है नीट का एग्ज़ाम दिए हुए पेपर दिए हुए रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए अब सी वाले बच्चे भी तो बहुत सारे लगभग लगभग तेरह लाख बच्चे एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट की तरफ चले गए हैं लेकिन मैं आपसे कहूँगी अगर आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो मतलब अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप वेट ही करना रिजल्ट का देखो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत बच्चे प्राइवेट की तरफ बढ़ चुके हैं सेशन लेट नहीं चाहते बहुत बच्चे आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बी करना चाह रहे हो इंजीनियरिंग में होंगे मेडिकल में होंगे अलग अलग फील्ड में एडमिशन ले रहे होंगे लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि हाँ सी का रिज़ल्ट आएगा मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना बिल्कुल हड़बराना नहीं उस चीज़ को लेकर कि हाँ अभी तुरंत में ही हम चले जाएँगे और तुरंत में ही हमारा क्या होगा एडमिशन ले लेंगे और फिर प्राइवेट में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे देखो ऐसे क्या होगा ऐसे बहुत बच्चे तो जा ही चुके हैं इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो चुका है आपका इस चीज़ की आपकी खुशी होनी चाहिए ठीक है और प्राइवेट की तरफ़ बढ़ने के सोच रहे हो तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं

स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है आपको करना कुछ नहीं है कॉलेज विद्या पे आइए अपना लिंक सारी चीजें यहां पे गिवन है आप अपना अकाउंट बनाइए अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स सी बीबीए बी टेक कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी उसकी फीस कितनी है कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो

स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा है कि जे यू वाइस चांसलर डिनाई रिपोर्ट द यूनिवर्सिटी विल भी शॉर्ट एंड विंटर ब्रेक एंड होल्ड एक्स्ट्रा क्लास इन व्यू ऑफ डिलेड एडमिशन उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज को लेकर ठीक है द डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ द यू टी यू रिजल्ट एंड द कैंसिलेशन ऑफ द यू जी लाइकली टू इम्पैक्ट एडमिशन ऑन द अपकमिंग एकेडमिक सेशन टोटल टू यूनिवर्सिटीज़ विल कंडक्ट एडमिशन फॉर द अंडरग्रेट अंडर ग्रेजुएट कोर्स बेस्ड ऑन द टी यू एंड ट्वेंटी स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा योगेश सिंह हैड अर्लियर नोटेड दैट द डिले इन द रिलीज ऑफ द सी रिजल्ट विल बी इंपैक्ट ऑन द एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी द कमेंसमेंट ऑफ द सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट ईयर एट द विल बी पोस्टपोन टू अगस्त सिक्सटीन ड्यू टू डिले इन द रिजल्ट ऑफ द सी यू टी उन्होंने कहा कह रखा था पहले तो अकेडमिक कैलेंडर निकाली थी ड्यू की उन्होंने कहा था कि फर्स्ट अगस्त से एनी ही क्लास स्टार्ट कर देंगे लेकिन भैया रिजल्ट आया नहीं है किस बेसिस पर आप एडमिशन लोगे बच्चों का कोई तरीका नहीं एडमिशन लेने का क्योंकि रिजल्ट तो भी आए नहीं बिना रिजल्ट के तो आपका टफ भी नहीं निकाल पाओगे तो पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि उसको शिफ्ट करके उन्होंने सिक्सटीन ऑफ अगस्त से कह दिया कि हम हम मिड अगस्त में स्टार्ट करेंगे अब देखो मिड अगस्त की बात है अगर जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आती है तो मिड ऑगस्ट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका फेज़ टू का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा उसके बाद काउंसलिंग है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है बहुत सारे प्रोसेस जाते हैं एडमिशन के वक्त में तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दिए कि सिक्सटीन अगस्त से हो जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं है इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है थोड़ा पेशेंस रखना है एक्चुअली मैं जानती हूँ कि बहुत लेट हो चुका है रिजल्ट को लेकर प्लानिंग कर रहे होंगे बच्चे की और एक्साइटेड भी होंगे एक्चुअली में कि देखो नए नए कॉलेज में एडमिशन लेने किसको एक्साइटमेंट नहीं होता और जिनका एग्ज़ाम दिया होगा तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि भैया मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मुझे तो रिजल्ट चाहिए ताकि मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ और नहीं जिन बच्चों का नहीं आ रहा है या फिर कम है तो अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ले लो अभी बहुत देखो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी हो गए उन्नीस बीस साल के हो गए ड्रॉप लेके कर सकते हो उस चीज़ को लेके खैर ये तो बाद की बात है मेरी बात मानो तो ठीक है अगर उसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी स्विच करके आप एडमिशन ले सकते हो घर बैठ के अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो अगर देखो ड्रॉप के साथ क्या होगा एक साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कहीं डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स ले लो वहाँ से करो और नेक्स्ट ईयर फिर सी यू टी का एग्जाम देना अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो और नहीं आ रहे तो तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी अभी तक तो मैंने आपको बता दिया जिन जिन यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोल रखा था उसका भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना याद से और इस चक्कर में मत रहना कि मुझे एकदम टॉप कॉलेज चाहिए टॉप कॉलेज के चक्कर में रहोगे तो पीछे वाला छूट जाएगा तो सारे कॉलेजेस अच्छे से भरना जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे सारे वो मैं अपडेट तो देती रहूँगी इस चैनल के थ्रू तो बस सारे कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे जितने भी आएंगे सबको आपको भरना है कुछ मत छोड़ना ये मत सोचना कि मैं, मुझे डी यू ही भरना है तो मैं सिर्फ डी यू का ही डालूँगा डालना है तो जेन इस चक्कर में बच्चे क्या होते हैं छूट जाते हैं पीछे रह जाते हैं फिर उनका ईयर खराब हो जाता है तो ये आपको रिस्क नहीं लेना है सारे कॉलेजेस के फॉर्म डालेंगे ठीक है तो ये आपको तो पता चल गया कि अब भैया अभी तो अकेडमिक सेशन लेट होने वाला है आपका कोई चांस नहीं है अभी अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने का या फिर कह दे अगस्त के मिड वीक में जब रिजल्ट की बात ये कह रहे हैं कि जुलाई के लास्ट में आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा या फिर तो फिर एकेडमिक सेशन भी आपका लेट ही होता है और हो सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट भी सुनने आया है कि जैसे आपका विंटर ब्रेक को होल्ड कर दिया जाएगा या फिर जो हॉलीडेज होते हैं संडे वनडे होता है उसको भी करके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपके सेमेस्टर पूरा करें क्योंकि कोई कॉलेज नहीं चाहता है कि उनका सेशन लेट हो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पता चला नेक्स्ट ईयर लेना पड़ जाए फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो उससे अच्छा है कि उसमें अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके छुट्टी वगैरह काट के थोड़ा सा मुश्किल होगा इस साल के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि उनकी सारी छुट्टियाँ चली जाएंगी एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं उसमें पैन करने की जरूरत नहीं है अच्छा आएगा रिजल्ट ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव अ गुड डे बाय बाय